इसी से प्यार करते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये क्या बदतमीजी, वो कर दो तो मेरा दिमाग ठीक है ना, इस तरह बोलो क्या जानी, बता दो आंटी को बात करनी है, देखना आपके सामने किस तरह की बातें कर रहा, जानी बोलो तो यार करती प्यार वो कहती मैं जानती नहीं हूँ आप कौन, यार दिमाग ठीक है तुम ऐसे, चलो मैं तेरे पापा से तेरे से बात करवाती हूँ तेरे भाई को। हे गाइस दिस इज योर बॉय आलिया, मतलब गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को आपने अभी कभी लाइक करना क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो, तो हम चलते मिलते हैं वीडियो के बाद। एक्सक्यूज मी आंटी, क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? थैंक यू आंटी, आंटी आई एम सो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, मैं ना थोड़ा सा परेशान हूँ, तो मेरा ना जो कि बड़ा है नहीं आसपास, तो मैंने सोचा कि आप नज़र आई हैं तो मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं आपसे कोई बात, बेटा बोलो। आंटी मैं ना किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा। और ना वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करें? वो आंटी का थोड़ा एक्सपीरियंस होगा ना, इसलिए मैं आंटी से थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ, तो आंटी मुझे समझ नहीं लग रही मैं उसके घर वालों को कैसे मनाऊँ ना अपने लिए, तो मैं उसके घर वालों को नहीं बता पा रहा, तो क्या कोई आप बता सकते हैं मैं कैसे उन्हें बताऊँ? बेटा अपने में कॉन्फिडेंस पैदा करो और बात करो। आंटी वो तो ठीक है, मैं आपको सिचुएशन बता दूँ, मैं ना सीन ये है कि घर भी माशाल्लाह अपना है जी बेटा, मैं कमाता भी अच्छा हूँ, 1 लाख+ कमा लेता हूँ और ना घर भी हमारा अपना और मैं इंजीनियर हूँ, तो क्या और क्या चाहिए आप बात करें, मान जाएंगे लड़की वाले? मेरे ख्याल में तो मान जाना चाहिए, आजकल के दौर में तो कमाते नहीं हैं लड़के और बस ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो आपको लगता है कि मान जाएंगे इसका मतलब? मेरे ख्याल में तो मान जाएंगे। चले ठीक है, हो गया, नहीं नहीं थोड़ा सा रह गया आंटी, बस अब मैं फाइनल बात पे आ जाता हूँ ताकि ना आपका भी टाइम जाए ना, प्लीज़ गुस्सा नहीं करना और मारना नहीं, तो वो ना आंटी सीन कुछ यूँ है कि मैं ना इसी से प्यार करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये क्या बदतमीजी, ये क्या बकवास किए जा रहे हो, मेरी बेटी के बारे में गलत बातें कर रहे हो। आंटी अभी तक तो आप बोले थी लड़की वाले मान जाएंगे, तो आप मुझे तो नहीं पता तुम मेरी बेटी के बारे में ही बातें कर रहे हो, उस पे उंगली उठा रहे हो। नहीं आंटी मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं है, करती है मुझसे प्यार करती है, पूछ ले आप उससे मुझसे प्यार करती, प्यार वो करती मैं जानती नहीं हूँ आपको कौन, यार दिमाग ठीक है तुम ऐसे करोगे अपनी अम्मी के सामने? अभी तो आप आए, मैंने देखा ही आपको पहली दफा, देखो तुम आंटी मुझे कहती कि भाग के शादी कर लेते, मैंने कहा नहीं मैं आंटी को मना लूंगा, नहीं ऐसे मेरी बेटी नहीं बोल सकती। आंटी आपसे डर रही है, आप यकीन करें, आप पूछो सही उससे, वो सिर्फ डर रही है। ये क्या है? नहीं अम्मी मैं नहीं जानती उसको, कौन है ये, कैसे नहीं यार भाई, मैं तो क्या देखे, मैं बताता हूँ आंटी है ना हमेशा कॉलेज से बंक करके ना मेरे साथ जाती है KFC खाते डेली, ठीक है वैसे है यार आप कैसे आप आए हो, ठीक है बात की आपने, तो आप मेरी अम्मी को बरखिलाफ कर रहे हो। नहीं मैं कैसे खिलाफ कर सकता हूँ, तुम मुझे प्यार नहीं करती तो मुझे बताओ, मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, देखा ही पहली दफा है। यार तुमने यार ऐसा मत बोलो ठीक है आंटी, इसने ना मेरे खर्चे पे ये क्या हो रहा है, आंटी शादी का लहंगा मेरे खर्चे पे लेके रखा हुआ है इसने, कौन सा शादी का लहंगा, मेरी अम्मी को इस तरह क्यों बोल रहे हो यार, तुम नहीं करते मुझसे प्यार, नहीं मैं नहीं करती, तुम देखो मुकर रही हो अपनी अम्मी के सामने, तुम मुझसे आंटी मुझसे बहुत प्यार करती है, सिर्फ डर रही है आपसे और कोई भी बात नहीं है, नहीं हमने मुकम्मल आजादी दी है, डरती नहीं है, लेकिन तुम गलत बात कर रही है मेरी बेटी आंटी, ऐसे कैसे देखिए मेरी बात सुनिए, इसका नाम माही है, देखिए मैं कैसे इसको नहीं जानती, ठीक है इसका नाम माही है तो बिल्कुल, आप ऐसे गलत बात कर रहे हैं, माही ये क्या है, मैं इसको नहीं जानती, पता नहीं कौन है बेटा, आपके साथ में आई दी, इतना बड़ा तुझे किया और तुम हमारी इज्जत पे ये अपना दाग लगा रहे हैं। आंटी हम दोनों जूस भी ना एक ही स्ट्रो से पीते हैं, शुरू से हमारी आदत रही है, जाएं आप इस तरह घर, तुम मेरा हाथ पकड़ो सारी मोहब्बत वापस आ जाएगी, हाथ पकड़ो ये क्या बदतमीजी है, हाथ पकड़ो तुम्हारा कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आंटी अब तो मैं आपका दामाद होने वाला हूं, कैसे दामाद हो, हम ऐसे थोड़ा दामाद बना ले, वो जानती नहीं आपको, आंटी वो मुझे जानती है, वो सिर्फ आपसे डर रही है, ये तुम बताओ ना अम्मी को, माही अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दो, देखा मान जाएगी आंटी, तुम बता दो, मान जाएगी, मैं जानती नहीं हूँ, तुम्हें अभी मान जाएंगी, मैं तुम्हें मनाना होगा ना, मैं तुम्हारे भाई से और तुम्हारे पापा से बात करूंगी, फिर अच्छी बात नहीं होगी, आंटी ऐसा नहीं करें, मुझसे मिले ही कैसे आंटी, ऐसा नहीं करें, देखें आपने कहा था ठीक है, वो कह रही है, देखें आंटी आपने कहा था कि आप मान, वो मतलब लड़की वाले मान जाएंगे, तो मान जाए ना आंटी, कॉलेज वाले बंद ना करें, कौन सी बात है ये, कोई तरीका है आंटी, ये देखें मैं ऐसे बैठ के हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी आंटी, इस तरह कर लेता हूँ, ऐसे नहीं होता, ये जो बोले जा रहे हो ना आंटी, आंटी बात पता है कि मैंने इसके लिए गाने भी गाता रहा हूँ, माही माही मैंने छल्ला पवा दिया, यहाँ पे उल्टा सीन चल रहा था ना हमारा, क्योंकि नाम इसका माही था,
तो ये बड़ी खुश थी आंटी तब तब कितना देखें पता नहीं इसको क्या हो गया। तो नहीं जानती आप प्लीज इधर से जाएं, क्लेश ना डलवाएं हमारे घर। नहीं क्लेश क्या डलवाना आंटी, इसको कुछ समझाएं, आपसे डर रही है और कोई भी बात नहीं है। बेटा ये क्या गलत बातें बोले जा रहे हो, क्या बकवास किए जा रहे हो आंटी? आप मुझसे ही पूछ रही हैं, शर्म करो ना, तुम क्यों मेरी बेटी पे इल्जाम दिए जा रहे हो? आप उससे पूछें तो सही, मुझसे मैं इसको जानती ही नहीं हूं। आंटी ऐसे ही बोलेगी ना आपके सामने, मम्मी के सामने कौन सच बोलता है? आप इसको नहीं जानती, आप जाएं। आंटी देखें क्या हो रहा है, क्या मैं नहीं जानती इसको? बेटा हमने आपको इतनी आजादी दी हुई है, आपको इतना बड़ा किया है और हमारी इज्जत पे ये आंटी कॉलेज से बंक करके ना हम लोग आइसक्रीम खाते हैं एक साथ, वो भी एक ही कॉलेज जाना वगैरह बंद कर। कौन सी आइसक्रीम आंटी, नाराज है बस, जाओ इधर से। मैं तेरा कॉलेज जाना आना बंद कर दूंगी, मैं तेरे पापा से बात करूंगी, तेरे भाई से बात करूंगी। आंटी आंटी बात तो सुने आंटी, प्लीज कॉलेज ना बंद करें, फिर हम मिलेंगे कैसे ना? देखिए आप बोले जा रहे हो, वो जानती नहीं है आपको। आपने तो कहा था ना कि आप मतलब लड़की वाले मान जाएंगे, अच्छा बोला तो हूँ आंटी। आप ऐसे बेटा इस तरह थोड़े रिश्ते होते हैं आंटी, फिर इस तरह कर लेते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या मसला, क्या मसला, जाओ यार। ये आंटी ये ना गुस्से में, मैंने रात को उसको इजी लोड ना करवाया, मैं सो गया था इसलिए। नहीं बेटा हम इतने भी वो नहीं है, लोड उसके पास होता है। नहीं नहीं मुझसे करवाते, वो शायद आपके वाला सेव कर लेते करवा के देते हैं, वो वाला सेव कर लेती होगी ना, मुझसे मंगाती है। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मैं आंटी से शादी नहीं करूंगा। नहीं नहीं आंटी देखे, मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, मैं प्यार से करता हूँ। सोचा कि पानी पिलाना स्वाब की बात है, और मुझे क्या पता है कि ये किस लिए इधर खड़ा हुआ है आंटी? इसी ने मुझे कहा था तो ये पानी के बहाने से हमारे साथ बात करने के लिए आओ। आंटी मुझे बोले इसने था कि हम लोग वॉक पे निकलेंगे, मुझे कैसे पता था कि आप लोगों ने इधर आना? चुप कर दो तू, मेरा दिमाग ठीक है ना? इस तरह बोलो क्या जानी, बता दो आंटी को बात। देख मैं आपके सामने किस तरह की बातें कर रहा, जानी बोलो। तो यार शादी करनी हमने आपस में यार, ऐसे थोड़ी होता है। आंटी का दिमाग हूँ मैं, क्यों रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट होती है यार बंदे की। आंटी समझाओ इसको कुछ यार। माही ये अच्छी बात नहीं है, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? भी क्या बोले जा रहे हो आंटी? आप मुझ पे गुस्सा कर रही हैं, मैं शर्म आनी चाहिए आपको। आंटी मैं शर्मा क्या मेरी बेटी के बारे में गलत गलत बातें? ऐसे नहीं जाऊंगा आंटी, मेरे को बोल रही है भाई जाना आना बंद, ये लड़का क्या बोले जा रहा है? आंटी मुझे कह रही थी कि हम इतमाद था तुम्हारे पे। आंटी मुझे कह रही थी लड़का तुम्हारा नाम तक जानता है, वो कहता मुझे मिलती है, बातें करती है सर सर रात मेरे साथ। ऐसी है आंटी, मूवी देखने गए थे हम लोग, मोला जट मोला जट, जब तुमने मेरा हाथ ऐसे करके टाइट पकड़ लिया, तो जब वो ऐसे तलवार चला तुम डर गए कि तुम्हें लग जाएगी। oh, no. तुम ऐसे कर रही थी ना आंटी, बात बताई गई, ये मुझे कह रही थी कि तुम मुझे ना अलग घर में रखना, तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं। मैं तब भी राजी हो गया, लेकिन आज देखें आपके सामने मुकर गई है। माही प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ये क्या मैं सुन रही हूं, गलत बातें कर रही हो? चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूं, तुम्हारे भाई से। शादी की बात करेंगे आंटी? नहीं शादी की बात क्या बकवास किया जा रहे हैं, शादी की बात करेंगी वो मुझे घर लेके जा रही है। क्लेश और मैं इसके पापा से बात करती हूँ तुम्हारे। आंटी आंटी प्लीज क्लेश, बाहर आना जाना बंद करे आंटी। क्लेश क्या बदतमीजी है, क्लेश नहीं डलवाना आंटी, मेरे को भी घर ले जाओ, मैं घर दामाद बन जाऊंगा। घर लेके चलो, मैं घर दामाद बन जाऊंगा। तुम अपने घर जाओ, मेरी बेटी पे ऐसे गलत बातें आंटी। ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, बस आपके सामने ऐसा क्या क्यों नहीं रह सकती? नहीं रह सकती, वहाँ पे उसका बाप और उसके भाई शादी करेंगे, ये वहाँ पे शादी करेंगे। आंटी आंटी मैं बाबा माँ बाप ये बेहतर जानते हैं, लेकिन आंटी ये तो मुझसे प्यार करती ना, इसे तो पूछे एक दफा। नहीं जानती तुम, कैसे नहीं जानती तुम? मेरी बात सुनो, हम लोग जब भी गए थे इम्पोरियम में, तुम झूले नहीं ले रही थी मेरे साथ ऐसे ऐसे? मैं बच्ची हूँ, मैं झूले लूंगी, आपका दिमाग ठीक है? तुम तो मुझे ही कहते हो ना बाबू छोड़ा वाले तो बच्चे ही होते हैं ना, तुम तो मेरी बच्ची थी ना। क्या आंटी देखे आप, उसको कुछ भी नहीं कह रही आंटी, ऐसा जानबूझ के इस तरह कर चलो मैं तेरे पापा से तेरे से बात करवाती हूँ, तेरे भाई को भाई इनको समझाओ क्या मसला है इसको ना पता, मुझे लॉलीपॉप बहुत पसंद है, मैं डेली लेके आऊं। चले जाओ मेरी बेटी पे गलत बातें करे, समझाओ इनको घर चलो। ठीक है आंटी घर जाके ना, चलो यार घर जाके क्लेश करेगा, इनको समझाओ तुम, मैं नहीं जानती क्या है। तुम मुझे कॉल कर देना ना, क्या कॉल कर देना उनको, बताओ ना क्या कुछ भी नहीं है। आंटी एक आंटी मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कैमरा लगा हुआ है इस साइड में हम लोगों का। बता रहे मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता, इसको बिल्कुल भी नहीं जानता। देखो ना मम्मा, आप इस तरह बोल रहे हम ना YouTube पे प्रैंक्स वगैरह करते हैं, तो मतलब लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तो आज वैसे ही आप लोग नजर आ गए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फन क्रिएट किया जाए। मैंने पहले रोक दिया था ताकि कोई मसला ना हो, इसलिए देखो आप लोग साथ हुए तो आपकी वजह से देखें कितने सारे लोग जो अभी देखेंगे ये वीडियो तो कितने खुश होंगे। सो डेट्स आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो अगर आप लोगों को इश्यू ना तो प्लीज कर सकता हूँ आप लोगों का मैं अपनी वीडियो में।
कर लूँ कि मुझसे तो नहीं, बाकी मैं सच में इसको नहीं जानता, वो बस प्रैंक वीडियो के लिए मैंने किया था। मैंने बोला था ना, माही आंसर सॉरी, अब मुझे आपका नाम पता चला था क्योंकि इन्होंने आपका नाम लिया था। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो इस वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस वीडियो में हम करते हैं 100 के लाइक, जल्दी से लाइक कर दें। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।